तो सर वो अभी क्या है ना, मेरी बात हुई थी, हाँ मेरे एक फ्रेंड हैं वो आईएससी बेंगलोर से, उन्होंने अपना पीएचडी किया है, पूरा जर्मनी में इंटेंसिव किया है फिजिक्स में। ओके हाँ तो मैंने उन्हें भी बताया था आपका मिशन, तो हाँ थोड़ा आप उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। ठीक नहीं तो उन्होंने क्या कहा आपसे? है, वो रेडी हैं, साथ आएंगे। ठीक बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये है, बहुत पावरफुल मिशन है। देखो इसमें एक चीज अभी आपने देखा होगा, हमने पूरे पॉइंट सिस्टम ही बना दिया है, राइट। जी अब अपन ने जो है देखिए, जैसे दो नेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं, राइट। तीन जी चार लोग जो है अभी स्टेट से नेशनल लेवल पे पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से, राइट। सर, तो हर किसी को नेशनल लेवल पे पहुंचना है, राइट, नंबर जी वन। और देखो एक चीज तो समझ में, सभी को समझ में आना चाहिए कि जो हमारे सफेद पोश नेता हैं, इनके जी वस्त्रों को छोड़ के और कोई भी चीज सफेद नहीं है, ठीक है ना। और ना इनकी शिक्षा है, ना इनकी सोच है, ना इनके ध्येय हैं, और ये करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीते हैं, और जिस दिन से जीतते हैं उसके दूसरे दिन से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो आप ये बताइए, इनमें से अधिकांश लोग ऐसे नहीं हैं क्या कि यदि मान लो ये नेतागिरी में और इनको मंत्री मंत्री बनने का मौका नहीं मिलता तो ये चपरासी की नौकरी भी इनको नहीं मिलती? सर बिल्कुल ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर तो बिल्कुल जो व्यक्ति को इतने फायदे मिल रहे हैं वो अपनी पोजीशन को क्यों छोड़ेगा? तो बिल्कुल ये लोग जो है 99% सर अपनी बात नहीं मानेंगे, राइट। जी। तो अपन तो कृष्ण का रोल अदा कर रहे हैं कि भैया पांच गांव ही दे दो, ठीक है ना। अब जी यदि तुम पांच गांव भी नहीं दोगे तो फिर जो है धर्म युद्ध होगा भी और इनकी पराजय होना तय है, राइट। जी और उन पराजय होना क्यों तय है वो मैं आपको बता दूं। जी देखिए इनमें से जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है कि पहली बात तो ये कि सही व्यक्तियों को ये टिकट ही नहीं देते, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि छदम चीजों के माध्यम से ये एन केन प्रकारेण जो है विजय हासिल करते हैं, राइट। तो जी आईटी का यूज करके, सोशल मीडिया को परचेज करके उसको पेड बना लेना, उसको अपने पे में पे रोल पे ले आना। फिर जो है आजकल आम सभाएं भी पेड जैसी हो गई हैं, जिसमें आप गाड़ियां भेज के लोगों को बुलाते हैं, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं और उन्हें 500 रुपए देते हैं। तो जी पहले व्यक्ति कई किलोमीटर पैदल जाके भी अपने नेता को सुनने जाता था, राइट। जी आज वो नेता को सुनने नहीं जा रहा है, वो 500 रुपए उसको दिए जा रहे हैं और गाड़ियां भेजी जा रही हैं इसलिए आ रहा है। तो ये आम सभाएं भी पेड आम सभाएं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? एग्जैक्ट अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो ये फ्रीबी बांट के, साड़ी बांट के, दारू बांट के, पैसे बांट के जो है वोट कवाड़ रहे हैं, या जाति और धर्म के आधार पर बांट के झगड़े करा कर और भय पैदा करके जो वोट जो है ना ले रहे हैं, यदि हम लोगों को जोड़ लेते हैं और संकल्प के आधार पर बिना जी चुनाव प्रचार के यदि हम अपने लोगों को जिताएंगे, तो क्या ये छदम प्रवृत्ति के लोग, छदम चरित्र के लोग जो छदम तरीके से अपनाकर जो है ना एन के एन प्रकारण जीत रहे हैं, क्या ये संकल्प के सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं और स्पेशली जब हम लोगों को, हमें मालूम है कि हमारे बहुत सारे लोग गरीब हैं और जो ये पैसा बांट रहे हैं ये तो हमारा ही पैसा है, राइट। तो हम अपने संकल्पियों से कहेंगे, अपने लोगों से कहेंगे कि इनसे भर भर के पैसे मांगो और वोट उसी को दो जिसको आपने संकल्प दिया है, राइट। बिल्कुल तो इस तरीके से उन्हें नुकसान भी नहीं होगा, राइट। अन्यथा बिल्कुल उन्हें अपने लोगों को नुकसान होगा तो नुकसान क्यों कराया जाए? इन लोगों के पास जो पैसा इकट्ठा है वो किसका है? आम जी आदमी का है, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल वो पैसा जो है वो आम आदमियों को मिल जाएगा और साथ में जो है ना संकल्प के आधार पर ये संकल्पित व्यक्ति उसको जीतेगा और ये हारेंगे। और फिर जो है एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि जो भी परिवर्तन लाना है वो हमें पार्लियामेंट के मंदिर में नियम कानून और व्यवस्था बदल के लाना पड़ेगा,
और ये सब चीजें हैं जो अपराध मुक्त की भारत की 5 सर्टेनिटी हैं, साइबर क्राइम की जो है ना सर्टेनिटी।